आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। इन दिस क्वेश्चन अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर पासिस थ्रू अ लॉन्ग स्लिट ऑफ विड्थ 0.5 mm। ओके, फाइंड द एंगुलर डाइवर्जेंस इन विच मोस्ट ऑफ द लाइट इज डिफ्रेक्टेड। ओके, तो इसके लिए जो मिनिमम डाइवर्जेंस अकर होगा उसके लिए फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा। ओके, और मिनिमम के लिए फॉर मिनिमम ये हो जाएगा मिनिमम एन इज इक्वल टू वन होगा। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बाई बी। ओके, हमें बी और लैम्डा की वैल्यू गिवन है, बी इज इक्वल टू दिया है 0.2 mm। ओके, और लैम्डा इज इक्वल टू दिया है 450 नैनोमीटर। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 450 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे बाई मल्टीप्लाइंग 10^-9 मीटर। ओके, डिवाइडेड बाई 0.2 × 10^-3 ओके मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा कुल टोटल हो जाएगा प्लस माइनस 2.25 × 10^-3। ओके, और देखो ये मिनिमम के लिए हम अप्रोक्स लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2.25 × 10^-3 रेडियन। ओके, अब देखो मान लो कि ये स्लिट है और यहाँ पे इस तरह से डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इस सेंटर से इस पॉइंट के बीच की दूरी दे रहा है प्लस 2.25 × 10^-3 रेडियन, और यहाँ पे इसकी दूरी दे रहा है माइनस 2.25 × 10^-3। तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा क्योंकि लेंथ है। तो ये हो जाएगा जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, थीटा टोटल इज इक्वल टू 4.5 × 10^-3 रेडियन का डाइवर्जेंस होगा। क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा इस पूरे का, पूरे की बात कर रहा, इतने का डाइवर्जेंस होगा यहाँ से। ओके, तो यही हमसे थीटा की वैल्यू पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ओके।